तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आप भी अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपके भी मन में अगर ऐसा है कि हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, ब्लॉगिंग का चैनल बनाएंगे, ब्लॉग की वीडियो डालेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो बिल्कुल सही हो दोस्तों, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं बता देता हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए मतलब शुरुआत में क्या क्या चीज़ चाहिएगी। तो करते हैं कैमरा और दिखाते हैं आप लोगों को आइटम। दोस्तों अगर आप सेल्फी स्टिक लेना चाहो तो ये वाली सेल्फी स्टिक है जो कि आप लोगों को 200 से 250 के बीच में मिल जाएगी, तो ये वाली लेना, मेरा कहना यही है। क्योंकि इसमें तीन फीचर मिलते हैं हम लोगों को, जो कि पहला है ये मतलब 180 डिग्री फुल रोटेट, 180 डिग्री रोटेट का, और प्लस में 360 डिग्री ऐसे फ़ोन को मतलब रोटेट कर सकते हैं, और 180 डिग्री ये वाला फ़ोन को ऊपर नीचे करने के लिए, जो कि शॉट बनाने के लिए। वो ये तो हो गया पहला फीचर। दूसरा फीचर इसके अंदर ये वाला है लाइटिंग का, जो कि देख सकते हो लाइट भी काफ़ी कूल अच्छी है। और तीसरा फीचर है इसमें वायर नहीं मिलेगा दोस्तों, ब्लूटूथ का ऑप्शन है और ये ब्लूटूथ निकलता भी है। अगर आप लोग मतलब स्टैंड में नहीं रखना चाहते तो ये ब्लूटूथ निकलता भी है, ठीक है दोस्तों। अगर सेल्फी स्टिक लो तो यही लेना। और तीसरा लास्ट फीचर इसके अंदर दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, इसको मतलब ऐसे ऐसे खोल के कहीं पर भी रख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में। तो इसकी हाइट देख सकते हो काफ़ी लंबी है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग सेल्फी स्टिक लेना चाहो तो ये वाली सेल्फी स्टिक ले लेना। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों माइक। अगर माइक आप लोग ले रहे हो तो दोस्तों ये वाला बोया का माइक लेना, काफ़ी अच्छा माइक है दोस्तों। ये 700 से 800 के बीच है, ये वाला माइक लेना दोस्तों, बोया का ओरिजिनल माइक है दोस्तों। अगर लेना चाहो तो इसकी वायर, पहली बात तो वायर बहुत लंबी मिल जाएगी आप लोगों को, वायर के लिए तो बहुत लंबी मिल जाएगी। और माइक की क्वालिटी एकदम हाई मिलेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नॉइस वगैरह सब एकदम कैंसिल है, इसका नॉइस पूरी हटा देता है। और ये वाला माइक सबसे बेस्ट है दोस्तों बोया का YM1। तो माइक लो तो ये लो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ें यही है, एक तो ये सेल्फी स्टिक और ये फिर माइक, क्योंकि फ़ोन को पकड़ने में आसानी रहेगी और बोल लेंगे तो वॉइस क्लियर आएगी, इसी के कारण फ़ोन एडजस्ट इसमें एकदम अच्छे तरीके से होगा और वॉइस हमारी इससे क्लियर आएगी। तो दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, अगर लेना चाहो तो पहली चीज़ ये लेना। फिर चाहे दोस्तों ये रिंग लाइट वगैरह, स्टैंड वगैरह, ट्रेपोर्ड, ये सब आदमी की बातें हैं। रिंग लाइट का तो वैसे भी हमारे में कोई काम नहीं है, अगर रील बनाते हैं आप लोग तो रिंग लाइट ले सकते हो। और ये मेरे पास दो रिंग लाइट इसलिए है क्योंकि मैंने एक रिंग लाइट पहले ऑर्डर की थी, तो वो इस वाले स्टैंड के साथ मिली थी वो वाली रिंग लाइट, और ये वाली रिंग लाइट मुझे इस स्टैंड के साथ मिली है, जो कि ये वाला स्टैंड बड़ा है इसका, इसकी हाइट 7 फुट है दोस्तों। और ये वाला हमें बड़ा था 3 फुट का था दोस्तों, मेरे पास स्टैंड मतलब ट्रेपोर्ड था तो इसकी हाइट लेकिन छोटी थी, तो मैंने ये बाई किया जिसकी हाइट 7 फुट मिलेगी। और मतलब दूर दूर तक के व्यू लेते हो, ड्रोन व्यू लेते हो, तो ये वाली ज़रूरी है। लेकिन अभी आप लोगों के पास सिर्फ वो वाली स्टिक और वो वाला माइक लेना जरूरी है दोस्तों ब्लॉगिंग के लिए। सेल्फी स्टिक लेना तो ये वाली स्टिक लेना और वो का माइक लेना आप लोग, काफ़ी अच्छा माइक है, मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ, अभी नहीं लगा रखा लेकिन यही आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने निकाला था। तो ये वाला माइक लेना दोस्तों अगर लेना चाहो तो दोस्तों ये दो चीज़ में इंपॉर्टेंट थी, वो लेटर बोर्ड वगैरह ये बाद में लेते हैं, अगर पेमेंट आए तो ले सकते हो, और अगर आपकी वैल्यू है, आपके पास रुपये है तो खर्चा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास नहीं है वो सेल्फी स्टिक ले सकता है बस, और एक माइक ले सकता है, और फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप ही, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।